स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से यूपी खबर जानकारी न्यूज में। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के आज दिन भर के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। उससे पहले आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। उत्तर प्रदेश विधानमंडल बजट सत्र का 8वां दिन अतीक अशरफ और शाइस्ता की अर्जी पर हो रही है सुनवाई। जी हां, यूपी विधानमंडल बजट सत्र का आज 8वां दिन है। सदन में आज बजट पर चर्चा हो रही है, वहीं अखिलेश यादव का संबोधन भी हो रहा है। अतीक अहमद इनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ और उनकी पत्नी शाइस्ता की ओर से पेश अलग अलग प्रार्थना पत्रों पर आज लगभग 3:30 बजे से न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में सुनवाई जारी है। प्रयागराज शूटआउट पर फोटो परवार, अखिलेश संग तस्वीर तो सपा ने दिखाई एक फोटो। जहां उमेश पाल वाले कांड का मुख्य साजिशकर्ता बताए जा रहे सदाकत खान को लेकर अब भाजपा और सपा के बीच फोटो वार शुरू हो गई है। इसमें एक तरफ जहां बीजेपी सदाकत को सपा का करीबी बता रही है, वहीं सपा ने भी सदाकत की तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में सदाकत भाजपा विधायक नीलम कांवरिया के पति उमेश के साथ दिखाई दे रहा है। हालांकि यूपी खबर जानकारी इनमें से किसी फोटो की पुष्टि नहीं करता है। गाजियाबाद मेरठ रूट की 12 ट्रेनें रद्द, रेल यात्रियों को 2 मार्च तक झेलनी होगी परेशानी। जी हां, उत्तर प्रदेश में मेरठ की ओर से आने जाने वाले रेल यात्रियों को 2 मार्च तक परेशानी झेलनी होगी। देवबंद में रेलवे कार्य के चलते दिल्ली से गाजियाबाद होते हुए सहारनपुर की ओर अप डाउन करने वाली 12 ट्रेनें रद्द रहीं। इसी बीच कुछ ट्रेनों को वाया लोनी टपरी के रास्ते सहारनपुर की ओर भेजा गया है। बता दें कि ट्रेनों के रद्द होने व बदले रूट से चलने के कारण लगभग उत्तर प्रदेश के 20,000 से ज्यादा दैनिक यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। यह समस्या 2 मार्च तक जारी रहेगी। हाथ जोड़कर लड़की ने मांगी सीएम योगी से मदद, लगाई अपनी और पति की सुरक्षा की गुहार। जी हां, उत्तर प्रदेश के बरेली में एक लड़की अपनी मर्जी से शादी करने के कारण सुरक्षा की मांग कर रही है। बता दें कि अपनी मर्जी से शादी करने वाली बरादरी क्षेत्र निवासी युवती ने वीडियो वायरल करके सुरक्षा की गुहार लगाई है। उसने SSP और मुख्यमंत्री से अपनी और अपने पति की सुरक्षा कराने की मांग की है। उसका कहना है कि उसने अपनी मर्जी से शादी कर लिया, इसलिए उसे परेशान किया जा रहा है। केवल उसे ही नहीं बल्कि उसके पति और पति के घर वालों को भी परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इस शहर में दुर्लभ बुखार सामने लाया, जहरीले कीड़े का कहर, काट लेने का अलर्ट जारी। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जहरीले कीड़े की मौजूदगी लोगों की सेहत पर कहर बरपा रही है। इस कीड़े के काट लेने पर कोई शख्स खतरनाक और जानलेवा बुखार की गिरफ्त में आ सकता है। इस बात का खुलासा मुरादाबाद में दुर्लभ बीमारी स्क्रब टाइफस फीवर से पीड़ित मरीज के सामने आने से हुआ। बता दें कि मुरादाबाद में पिछले वर्ष मानसून सीजन के दौरान यह केस सामने आने पर डॉक्टरों ने मुरादाबाद में कई जगहों पर जहरीले कीड़े की काट लेने का अलर्ट जारी करते हुए लोगों से बारिश के मौसम में सुबह शाम अधिक पेड़ पौधे वाले इलाकों में घूमने से बचने की सलाह दी थी। वहीं अब एक बार फिर से यह मामला सामने आ रहा है। जानकारी के लिए बता दें तो 1 महीने से तेज बुखार बना रहने के साथ ही पेट पर लाल चकत्ते होने की शिकायत पर मरीज की जांच कराई जाती है। उत्तर प्रदेश के इस दफ्तर में रोज हेलमेट पहनकर काम कर रहे कर्मचारी, जानिए बड़ी वजह। जी हां, यूपी के बागवत में बिजली निगम के एक दफ्तर में कर्मचारी रोज हेलमेट पहनकर अपना काम कर रहे हैं। बता दें कि इसके पहले प्रदेश में महिलाओं की चोटी काटने वाला गिरोह सक्रिय हुआ था, तो बागपत में महिलाओं की रात को सिर पर हेलमेट लगाकर सोने की खबर आई थी। बता दें कि यह तस्वीर बागपत के बड़ौत शहर के विद्युत परीक्षण शाला मीटर से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालय की है, जहां का भवन खंडहर हो चुका है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी को जर्जर भवन की छत से प्लास्टर गिरने का डर सताने लगा, तो जान बचाने के लिए उन्होंने हेलमेट लगाकर काम करना शुरू कर दिया है। 2025 में होने वाले महाकुंभ के लिए अप्रैल से सजने लगेगा प्रयागराज, ये सड़कें होंगी बेहद चौड़ी। जी हां, प्रयागराज में कुंभ मेला 2025 के लिए निर्माण कार्य 15 मार्च से शुरू हो जाएंगे। बता दें कि मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने आज सर्किट हाउस में हुए एपेक्स कमेटी की बैठक में कुंभ के लिए तैयार 50 बड़ी परियोजनाओं में से 38 परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है। इन 38 परियोजनाओं पर 896 करोड़ रुपए व्यय होंगे। वहीं मुख्य सचिव ने मेडिकल कॉलेज की 12 परियोजनाओं को पुनः परीक्षण के लिए रोक दिया। परियोजनाओं पर 51.5 करोड़ रुपए के बजट का प्रस्ताव था। होली पर गड़बड़ी करने वाले भुगतेंगे, सीएम योगी ने दिया पुख्ता इंतजाम का आदेश, बोली अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। जी हां, आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि होली पर्व को लेकर पुख्ता इंतजाम किए जाएं, शोभा यात्राएं पुरानी परंपराओं के अनुसार ही निकाली जाएं, किसी भी कीमत पर अराजकता नहीं होनी चाहिए। प्रयास करें कि होलिका आबादी से दूर जलाई जाए ताकि किसी प्रकार का कोई नुकसान न होने पाए। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में अधिकारियों के साथ बैठक में सभी बातें कही। साथ ही सीएम ने अफसरों से कहा कि अभी कोशिश करें कि होली पर अश्लील गाने न बजें।
उत्तर प्रदेश में फिर से चमकेगा रामपुर का चाकू कारोबार, जारी होंगे लाइसेंस, ऐसे हुआ था बंद। जी हां, रामपुर के चाकू कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। रामपुर के चाकू का कारोबार एक बार फिर देश प्रदेश में चमकेगा। रामपुर के चाकू कारोबारियों को लाइसेंस जारी होने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के गृह विभाग ने रामपुर के डीएम से कहा कि लाइसेंस जारी करने की मांग पर जरूरी कार्यवाही करते हुए पूरे प्रकरण से अवगत कराएं। वहीं उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर से विधायक आकाश सक्सेना ने कृपान की तर्ज पर चाकू कारोबारियों को लाइसेंस जारी करने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश में कूड़ा उठाने को डोर टू डोर अभियान, ऐसे देना होगा घर का कचरा, नहीं तो हजारों का लगेगा जुर्माना। जी हां, उत्तर प्रदेश के सारे क्षेत्रों को साफ सुथरा रखने के लिए नगर विकास विभाग ने 4 से 31 मार्च तक स्वच्छ भारत मिशन में 10 तक डोर टू डोर अभियान का तीसरा चरण चलाएगा। जुर्माना वसूला जाएगा, यह 50 से लेकर 2000 रुपए तक होगा। वहीं राज्य मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन नेहा शर्मा ने आज यह जानकारी दी है कि 1 फरवरी से 100% डोर टू डोर कलेक्शन और कूड़े को अलग अलग करने की जानकारी देने का अभियान चलाया गया है। अति कामत के 5 बेटों के करीबियों के यहाँ पुलिस के छापे, कॉन्वेंट में पढ़ रहे कई दोस्तों से पूछताछ। जी हां, उमेश पाल और गनर वाले मामले को लेकर शूटरों की तलाश में जुटी एक दर्जन पुलिस टीमों में 2 टीमें अतीक अहमद के 5 बेटों के करीबियों के घर दबिश दे रही हैं। बता दें तो अतीक के बेटे के कई दोस्त कॉन्वेंट स्कूल में छात्र हैं। पुलिस टीमों ने करेली, रोशनबाग, मिनहासपुर, सिविल लाइन से नैनी आदि इलाकों में छापेमारी कर इनसे पूछताछ की है। कई दोस्त और उनके परिवार के सदस्यों को थाने बुलाकर पूछताछ की जा रही है। जिन जिन दोस्तों से अतीक के बेटों की मोबाइल पर बात होती रही उसमें खासतौर पर जानकारी जुटाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या राम मंदिर के परकोटे में लगने वाली मूर्तियों के नमूने पहुंचे राम सेवकपुरम। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर के 100 मीटर की परिधि में 800 मीटर लंबा परकोटा बनाया जा रहा है। इसकी दीवारों पर रामायण के प्रसंगों की 125 झांकियों की मूर्तियां बनाई जा रही है, साथ ही 6 मंदिर भी बनेंगे। बता दें तो मूर्तिकार नमूने के तौर पर कुछ मिट्टी की मूर्तियों को बनाकर लाए हैं, आप पर फोटो में देख पा रहे होंगे। बता दें कि इसे राम सेवकपुर में रखा गया है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष निप्रंद मिश्रा और ट्रस्ट के सचिव चंपत राय ने बीते रविवार को ही नमूनों को देखा है। कानून की परीक्षा में 20% दरोगा फेल, 30% जैसे तैसे पास। जी हां, विवेचनाओं में सामने आ रही गड़बड़ियों को देखते हुए मेरठ के बागपत एसपी ने नया प्रयोग किया है। उन्होंने सभी इंस्पेक्टर और दारोगा की लिखित परीक्षा करा दी। आंतरिक गोपनीयता के मद्देनजर परीक्षा के प्रश्न मीडिया को नहीं बताए गए, लेकिन जानकारी के मुताबिक धाराओं से ही जुड़े प्रश्न रहे। इन परीक्षा में 20% फेल हो गए हैं, 30% जैसे तैसे तो पास हो गए हैं। सकारात्मक पहलू यह है कि 50% ने आसानी से परीक्षा पास कर ली है। अतीक के करीबी तो छोड़िए, दुश्मनों ने भी छोड़ा शहर। यूपी के हर जिला पुलिस को शूटरों की गिरफ्तारी का टास्क। जी हां, उमेश वाले कांड के बाद माफिया अतीक के कारोबारियों को तो छोड़िए, उसके दुश्मनों ने भी शहर छोड़ दिया है। जिस तरह से पुलिस टीमें और एसटीएफ छापेमारी अभियान चला रही हैं, उस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि इससे प्रयागराज में एनकाउंटर का खौफ दौड़ गया है। अतीक और उनके करीबियों के घर ताबड़तोड़ छापेमारी का असर यह हुआ कि अतीक और उनके परिवार वालों से दुश्मनी रखने वालों ने भी शहर छोड़ना शुरू कर दिया है। उमेश पाल वाले कांड में 6 नहीं 13 शूटर थे। जेल में बंद अतीक व्हाट्सएप से कांटेक्ट करता था, बेटे ने लीड किया, साजिश मुस्लिम हॉस्टल में बनी। जी हां, यूपी के उमेश वाले कांड में पिछले 24 घंटे में 3 बड़े खुलासे हुए हैं। पहला, प्रयागराज में उमेश की हत्या के लिए 6 नहीं 13 शूटर पहुंचे थे, इनमें 7 बैकअप में इंतजार कर रहे थे। दूसरा, हत्या की साजिश मुस्लिम हॉस्टल में रची गई थी। तीसरा, इस घटना में साजिश में अहम रोल अहमदाबाद के साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का था। असलम बरेली जेल में बंद है, जेल से ही दोनों व्हाट्सएप कॉल के जरिए अपने ग्रुपों से जुड़ते थे। मौलाना मदनी शेर शास्त्रार्थ के लिए स्वामी यशवीर देवबंद रवाना। बोले मौलाना ने षड्यंत्र कर सनातन धर्म पर टिप्पणी की, कही गई बातों का आधार बताए, नहीं तो मांगे माफी। जी हां, मुजफ्फरनगर में स्वामी यशवीर महाराज अपने भक्तों के साथ GIC मैदान में एकत्रित हुए और जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी से शास्त्रार्थ के लिए दारुल उलूम देवबंद को कूच किया है। बता दें कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कुछ दिन पहले आयोजित कॉन्फ्रेंस में बयान दिया, जिसे स्वामी यशवीर आश्रम महाराज ने खारिज कर दिया। उन्होंने मौलाना मदनी से शास्त्रार्थ के लिए देवबंद के लिए कुछ किया है। आरोप लगाया गया है कि मौलाना मदनी का कथन षड्यंत्र के तहत दिया गया था, जिसे वह चुनौती देते हैं। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म पर टिप्पणी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि मौलाना अरशद मदनी की टिप्पणी सनातन धर्म की मर्यादा के खिलाफ है और पूरी तरह से इतिहास के तथ्यों से विपरीत है। पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी को कोर्ट से मिली जमानत, तो सोनभद्र जेल में है बंद। डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने पर रखा था 51 करोड़ का इनाम।
जी हाँ, बसपा सरकार में मंत्री रहे मीट माफिया हाजी याकूब कुरैशी को डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सर कलम करने के मामले में कोर्ट से जमानत मिल गई है। याकूब कुरैशी इस समय सोनभद्र जेल में बंद है। याकूब कुरैशी ने डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने के बदले में 51 करोड़ रुपए के इनाम का ऐलान किया था। 31 मार्च तक चलेगा गोवंशों को पकड़ने का अभियान। फिरोजाबाद में किसानों की फसल बर्बाद होने से बचेगी टीम की गई है गठित। जी हां, फिरोजाबाद में खुले में घूम रहे गोवंश को पकड़ने के लिए जिले में विशेष अभियान संचालित हो रहा है। 31 मार्च से पहले खुले में घूमने वाले 1700 गोवंशों को जिला प्रशासन की ओर से गठित टीमें पकड़ेंगी। इसके लिए सभी 9 ब्लॉकों में कैटील कैचर दिए जा रहे हैं। खबरों में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के निशान को जरूर दबा लें। धन्यवाद।